नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और देर रात अम्बाला शहर में एक तेज़ रफ्तार क्रेटा का कहर देखने को मिला। तेज़ रफ्तार क्रेटा चालक ने पुलिस के होमगार्ड जवानों की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया तो दूसरे को मामूली चोटें आई। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची, जिसने घायलों को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि रविंदर नामक के होमगार्ड जवान की टांग में फ्रैक्चर आया है तो दूसरे को मामूली चोटें आई है। क्या कुछ कहना है इस बारे में घायल रविंदर का, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है जी, क्या कुछ हुआ, किस तरह से? मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन अम्बाला शहर आ रहा था कैंट से। तो अचानक जब रोड क्रॉस करने के लिए इधर मुड़ा तो अचानक से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इतना नहीं पता लगा कि कहाँ से कैसे आई गाड़ी, कैसे नहीं। और उसके बाद मेरे को सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर लेके आए। कितने मुलाजिम थे आप और कितने क्या चोटे आपको? हम दो मुलाजिम थे, मेरे साथ वाले को कोई इतना माड़ी मोटी कोई थोड़ी बहुत चोट लगी। आपको क्या चोट? मेरे को टांग में फ्रैक्चर है, दो जगह से टूट चुकी है और सर पे थोड़ा ग्रिटें ग्रिटें हैं, यानी कि ज़्यादा ही चोट टांग पे है। और आप किस वाहन पे थे और टक्कर मारने वाला वाहन क्या था? टक्कर मारने वाला वाहन तो शायद कार ही थी शायद, और हम मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल आपकी निजी थी या सरकारी? मोटरसाइकिल सरकारी थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान घायल जवानों ने डायल 112 की टीम को बुलाया तो डायल 112 की टीम ने मौके का वीडियो बनाया और बलदेव नगर पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। तो मौके पर बलदेव नगर की टीम पहुंची। बलदेव नगर पुलिस टीम ने इस मामले में FIR दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हमारे को रात डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई है कि क्रेटा गाड़ी ने एक सरकारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां से होमगार्ड रविंदर को और होमगार्ड परविंदर को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने रविंदर की टांग को टूटा हुआ बताया गया और परविंदर को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद हमने गाड़ी को कब्जा पुलिस में लिया और बयान दर्ज करने के बाद हमने मुकदमा नंबर 56 धारा 279 337 438 के खिलाफ IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए।